आज हम राजस्थान के मिर्ची वड़ा बनाएंगे। ये वह खाने में बहुत टेस्टी होते हैं तथा बनकर झटपट तैयार हो जाते हैं, तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसको मैंने छान लिया है। अब आधा चम्मच मैंने ये अजवाइन लिए, इसको क्रश करके डाल रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें गुठली बन जाएंगी। और हम इसको मिलाते जाएंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। इसमें थोड़ा पानी और डाला है मैंने, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे हम आलू की पकौड़ी बनाते हैं उसी तरह से इसका पेस्ट बनाया है हमने। और इसको 2 मिनट अब फेंटेंगे। इसको हम साइड रख देते हैं और आलू की फिलिंग बना लेते हैं। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। ये अब 1 चुटकी हींग डाली है, एक चम्मच जीरा। अब इसको हम भून लेंगे। अब ये 2 हरी मिर्च कटी हुई डाली हैं और ग्रेटेड अदरक डाला है 1 चम्मच, इसको हम मिला लेंगे। अब एक चम्मच मैंने हल्दी डाली है, ये इससे हमारा आलू का कलर अच्छा आएगा। अब ये मैंने मैश करे हुए आलू डाल दिए, इनको हम मिला लेंगे। अब हम बाकी मसाले ऐड कर लेंगे इसमें। ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और ये गरम मसाला 1 चम्मच और टेस्ट के अनुसार ये नमक। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे। और ये आलू हमारे बड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा मैश कर लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से मिल गया है और आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल रहे हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये आलू की फिलिंग हमारी बनकर तैयार है, अब एक बाउल में निकाल लेते हैं इसे। मैंने ये भावनागिरी मिर्च लिए, थोड़ी बड़ी होती है, मैंने इन्हें धोकर पोंछ लिया है। अब हम मिर्च को चीर रहे हैं और इसमें से अंदर से बीज निकाल देंगे सारे। रखना चाहें तो रख लें, इससे पकौड़े हमारे चटपटे बन जाएंगे, इसलिए मैंने निकाल दिया है। ये मैंने इस तरह से खाली कर दिया बीज निकाल कर, और थोड़े बहुत रह जाएं तो कोई बात नहीं है। बाकी मिर्चों को भी हम चीर कर बीज निकाल देंगे।
इस तरह से मैंने मिर्च को खाली कर लिया है। इसी तरह से हम सारी मिर्च चीर कर अब खाली कर लेंगे बीजों को। अब इसमें फिलिंग भर रही हूँ मैं, इसमें चम्मच से दबा दबा कर हम फिलिंग भरेंगे। ये देखिए मैंने फिलिंग भर दिया, अब मैं दूसरी मिर्च भरूंगी। इसको मैंने दबा दबा के भर लिया है ताकि यह सिकते समय स्टफिंग बाहर ना निकले, और इन सभी मिर्च को मैंने भर लिया है। गैस को ऑन कर दिया है और तलने के लिए ऑयल डाल रहे हैं। अब इस ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इनको हम डंडी को पकड़ के घुमाकर इस तरह से बेसन लपेटेंगे इसमें। और इस तरह से एक्स्ट्रा बेसन हम निकाल देंगे इसका। अब इसको हम फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी मिर्च को भी लपेट कर डाल देंगे। अब हम पकौड़ों को पलट देते हैं। इसी तरह से हम उलट पुलट करके इन्हें पकाएंगे, और आंच को हमें मध्यम ही रखना है। ये मिर्ची वड़े हमारे सिक गए हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे रोक के रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बाकी सभी बड़ों को हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच तैयार करेंगे। ये मैंने दूसरे बैच में भी सारे बड़े डाल दिए, और अब इनको उलट पुलट कर सेक लेंगे। ये भी हमारे सिक गए हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए राजस्थानी बड़े बनकर तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म चाय और चटनी और सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।